Hello student, today we learn remaining part of this lesson about hailstorm. Let's see. Maharashtra was hit by the series of hailstorm in 2014 mein bahut hi heavy hailstorm Maharashtra mein hua tha. The hailstorm devastated thousands of acres of standing crops. Devastated yani पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, पूरा उध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना. द केस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स खेत में लगाए गए थे वो पूरे क्या हो गए, डिवोस्टेड हो गए, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, मीन उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. फ्रूट क्रॉप्स वेयर रन, फ्रूट के क्रॉप्स भी बहुत रन हो गए, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय. बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर किल एंड इंजोर्ड, बर्ड्स और एनिमल भी बहुत ज़्यादा इंजोर हुए, किल हुए, एंड लार्ज इन लार्ज नंबर, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत सारे क्वांटिटी में वो क्या हो गए, किल हो गए, मर गए. फार्मर सफर्ड हेवी लॉसेस, फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी. कैलेमिटी यानी क्या, इट्स वेरी मीन्स उसको हम आपत्ति भी बोल सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा संकट जो है वो कौन से ईयर में आया था, 2014. हम न्यूज़पेपर में वगैरह ये ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं. तो हेवी अगर हेलस्टॉर्म हुआ तो इस तरह का हमें डिसएडवांटेजेस भी भुगतने पड़ते हैं. ओके, सो यू मे हैव अदर क्वेश्चन दैट पजल यू. हमें ऐसे पजल के कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं. नोट डाउन एट लीस्ट 10 सच अ क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग द इवेंट इन यूअर सराउंडिंग. आपके सराउंडिंग में ऐसे कुछ साइंस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है तो उसको आपको क्या करना है, आपके बुक ऑफ साइंस में लिखना है. जैसे यहाँ पे दिया है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. वेयर डू फ्लावर गेट देयर कलर फ्रॉम, फ्लावर को कलर्स कैसे आता है, कहाँ से आता है. Why are leaves green? Green leaves जो है वो green क्यों होते हैं. Why does chopping an onion make you cry? हम जब onion काटते हैं तो हम cry means हमारे आँखों में आंसू क्यों आते हैं, means क्यों रोते हैं. तो ऐसे science से, इन सभी के पीछे science, scientific reason से, तो वो हमें find out करने हैं. तो ऐसे और questions आपको ढूंढने हैं. Note each question on the सेपरेट पेज इन बुक ऑफ साइंस. ये सभी क्वेश्चन आपको बुक ऑफ साइंस में लिखने हैं. ड्रॉ सुटेबल पिक्चर और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ ऑन द पेज. उससे रिलेटेड अगर आपके पास फोटोग्राफ्स है तो वो स्टिक करने हैं. ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आंसर लिखने हैं. मेक यूज ऑफ साइंस जनरल्स एंड द रेफरेंस बुक टू फाइंड द आंसर. आपको एक्स्ट्रा साइंस के बुक अगर चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. यू मे फाइंड द आंसर ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे भी आप उसका आंसर सर्च कर सकते हैं. विद द परमिशन ऑफ योर गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गाइडेंस और टीचर, आपके टीचर और पेरेंट्स का गाइडेंस लेके आपको इंटरनेट पे और सर्च करना है. ब्रो थ्रू द इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स, इंफॉर्मेटिव मीन्स जो भी उसके रिलेटेड वेबसाइट्स है नेट पे वो सर्च करनी है. यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक और द अदर इंफॉर्मेटिव बुक्स. अगर आपको आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में आंसर मिलते हैं इट्स वेरी गुड. अगर नहीं मिलते हैं तो वो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव बुक्स, एक्स्ट्रा साइंस की बुक्स देखने हैं. नोट डाउन द आंसर ऑन द रिलेवेंट पेज और आपको आंसर आपके पेज पे लिखने हैं बुक ऑफ साइंस के. व्हेन यू हैव कलेक्ट अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड आंसर टू योर क्वेश्चन पुट देम ऑल टुगेदर योर वेरी ऑन बुक ऑफ साइंस. जब आपको सभी के आंसर्स मिलते हैं तो अच्छे से बुक ऑफ साइंस में एक पेज पे एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है. इट्स योर प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है. आपको ये एक्टिविटी आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके करना है. ओके, यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड.